वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस वाला। आई एम नबील अंसारी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी आयुष 2022 की काउंसलिंग चल रही है आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी और नेचुरोपैथी की। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट का जो 2022 का कट ऑफ है वो रिवाइज होगा या नहीं, और दोबारा से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया जाएगा या नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं थर्ड राउंड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है 27 फरवरी से, और 4 मार्च को ये राउंड कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे कि पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोबारा से न्यू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, पोर्टल दोबारा से खुलेगा ताकि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ रिवाइज हो, क्यों जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो भी क्वालिफाइंग कर जाए, उनका स्कोर भी क्वालिफाइंग हो जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि दोबारा से चांस मिलेगा ताकि कट ऑफ रिवाइज हो या न्यू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अलॉटमेंट आए, क्योंकि पहले ही यह तय किया गया था कि ये जो 4 मार्च है इज द लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड राउंड में कुछ कट ऑफ रिवाइज होगा ताकि न्यू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन चालू हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दैट मीन्स ये जो 2022 की काउंसलिंग थी इसमें कुछ भी रिविजन नहीं हुआ है और ना ही कोई भी चांस दिया है री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जिन स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था बस वही एलिजिबल हैं ये 2022 की काउंसलिंग के लिए। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि आप रजिस्टर नहीं कर पाए थे, और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर नीट का जो कट ऑफ था उससे कम है, तो आप जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज में चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ये सभी जानकारी जानने के लिए कि कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।